और ये जो है शुगर को कंट्रोल करती है। फिर इसमें लो फैट यानी कोई फैट नहीं होता और लो जमन यानी इसमें जो तासीर है वो हमारी बॉडी में कोई एसिडिटी नहीं करती, हमारी बॉडी में सब कोई नुकसान नहीं होता। फिर सप्लाई कैल्शियम, अच्छा ये कैल्शियम एक तो हमारी बॉडी पे सप्लाई हमारी बॉडी को सप्लाई करती है और उसके साथ साथ जो है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यानी जो हाई ब्लड शुगर होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी करते हैं ये उसको कंट्रोल करती है और इसके साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल को भी हमारी जो है ये कंट्रोल करती है, यानी ये कैल्शियम तीन काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है और हमारी बॉडी में कैल्शियम कंटेंट जो है उसको कैल्शियम को पूरा करती है। अच्छा इसमें जो है रिफाइंड पंपकिन पाउडर आपने पहले पढ़ा था कि इसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स है उसमें पंपकिन पाउडर है। अच्छा पंपकिन पाउडर जो है ये हमारी कैल्शियम में सॉल्युबल डाइटी फाइबर का काम करती है। फिर इसके साथ साथ जो है इसमें ओलिगोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड हमने पहले पढ़ा ओलिगोसैकेराइड ये है इसकी टाइप है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का काम होता है कि ये भी है हमारे सेल की खुराक है लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, ये जो है 2 से 9 टाइप की शुगर पे बेस करती है, इसके 2 से 9 यूनिट होते हैं शुगर के, इसमें ज्यादा एनर्जी होती है ओलिगोसैकेराइड, इससे जो है जब हमारे जो सेल होते हैं जब वो कंज्यूम करते हैं इसको तो ज्यादा एनर्जी पाती है। फिर जो है और इसके लिए काफी ज्यादा तरह की जो है हाइपोग्लाइसेमिक कंपोजिशन है और फिर ये जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन भी इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है पंपकिन पाउडर में, प्रोटीन भी देती है, विटामिन भी है इसके लिए बहुत सारे, पोटेशियम भी हमारी बॉडी का पूरा करती है, आयरन और मैग्नीशियम भी पूरा करती है। अच्छा जो पंपकिन पाउडर है ये ब्लड शुगर और ब्लड लिपिड को कंट्रोल करती है, यानी जो ब्लड में शुगर की मात्रा होती है इसको कंट्रोल करती है और कोलेस्ट्रॉल को किसने कंट्रोल करती है, जो हमारे जो ब्लड होता है उसमें फैट होता है तो फैट को जो है ये कंट्रोल करती है ताकि हमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ना हो। अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं माल्ट ओलिगोसैकेराइड, इसके बारे में हमने बात की था, ये देख सकते हैं माल्ट ओलिगोसैकेराइड ये कैल्शियम 2 का कंपोनेंट है। अच्छा ये जो है इसका जायका मीठा होता है लेकिन ये जो है इसका कोई हमारी बॉडी में बुरा असर नहीं होता है, किस ना कि जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको जो है वो मीठा नहीं खा सकते, अगर वो मीठा खाएंगे तो उनको जो है शुगर हाई शुगर हो जाएगी, तो माल्ट ओलिगोसैकेराइड एक ऐसी शुगर है जो हम कंज्यूम करते हैं लेकिन इससे जो है हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई नहीं होता और ये जो है हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और ये जो है सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड है उनके लिए जो शुगर का सामना करते हैं, जो जिनको जो है डायबिटीज़ है उनके लिए माल्ट ओलिगोसैकेराइड बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर इसमें विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 का क्या काम होता है कि जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हमारे किडनी में होते हैं उस जितने भी जब हमारी किडनी में डिसऑर्डर होते हैं मेटाबॉलिकली तो वो क्या करते हैं हमारी जो शुगर होती है वो जो ग्लूकोज होती है उसको बढ़ा देते हैं, इससे जो है हमें हाई शुगर का सामना होता है, यानी हमें जो है हमारी जो ब्लड होता है हमारे जो खून होता है उसमें शुगर की मिकदार कर देती है, तो विटामिन B1 जो है मेटाबॉलिज्म को उसके जो डिसऑर्डर है मेटाबॉलिज्म को उनको रोकता है और ये जो है विटामिन B1 जो है इसके साथ साथ जो है पैनक्रियाज के जो फंक्शन होते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे जो जितने भी पैनक्रियाज होते हैं पैनक्रियाज जो है हमारा एक ऑर्गन होता है जो मेन जो हमारी डायबिटीज होती है वो पैनक्रियाज की वजह से होती है, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन छोड़ते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जो है इस जगह पे जो है वो इंसुलिन लगाते हैं इंजेक्शन लगाते हैं खाने के बाद, तो क्या होता है जो उनका पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन छोड़ना इंसुलिन नहीं छोड़ पाता तो वो आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाते हैं। अच्छा जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है तो क्या होता है जो हमने खाना खाया होता है तो उससे जो है जो हमें शुगर मिलती है वो हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो पाती, वो सीधा सेल तक जाती है, वो अगर इंसुलिन नहीं छोड़ेगा ना पैनक्रियाज तो जो शुगर होगी हमारे ब्लड में शामिल होगी टॉक्सिसिटी करेगी जिससे हमें हाई शुगर होगी। अच्छा फिर जो है विटामिन B2 के बारे में बात कर लेते हैं, विटामिन B2 जो है वो रेगुलेट करती है ब्लड शुगर को, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और हमारे खून में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को जो है ये विटामिन B2 कंट्रोल करता है, तो
आज की जो है हमारी दो स्लाइड कम्प्लीट होगी, तो आगे हम बढ़ेंगे कैशन टू के जितने भी तो लास्ट में हमने जो है ऑस्ट्रियल वर्सेस के बारे में पढ़ा था कि ऑस्ट्रियल वर्सेस किस वजह से होता है और इससे जो है हमारी हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, ऑस्ट्रियल वर्सेस से जो है हमारी बॉडी में ऑस्ट्रियल वर्सेस के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या बीमारियाँ होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो आज की जो स्लाइड है ये ऑस्ट्रियल वर्सेस के बारे में है और ये जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अदालतशुमार इसके स्टैटिस्टिक्स हैं जो WHO ने बताए हैं दुनिया को। और WHO का मानना है कि जो ऑस्ट्रोपोसिस है ये हर इंसान के पीछे है, यानी ये बहुत करीब है हर इंसान के। तो मौजूदा हालात में जो है ऑस्ट्रोपोसिस जो है आज के दौर में 20 करोड़ लोगों को अभी ऑस्ट्रोपोसिस है, ठीक है। और इसका जो मॉर्बिडिटी रेट है यानी इसका जो सबसे जो ज़्यादा फैलने वाली जो बीमारी होती है उसमें जो है 7वें नंबर पर ऑस्ट्रोपोसिस आता है। और ये जो है इसका फर्स्ट रैंक है जितनी भी मेजर बीमारी है, 5 मेजर जितनी बीमारी है उसमें पहले नंबर पे ऑस्ट्रोपोसिस आती है। अच्छा, आज के मौजूदा हालात में जैसा कि आप सुनते रहते होंगे कि पोल्यूशन भी बढ़ रही है और जितना भी हम खाना खा रहे हैं जितनी भी हम खुराक ले रहे हैं वो उसमें पेस्टिसाइड्स होती हैं यानी केमिकल्स पाए जाते हैं तो वो बिल्कुल अननेचुरल होती हैं। तो WHO का मानना है कि जिस तरह ये हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है पोल्यूशन होती जा रही है और हमारी खुराक जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है उसमें केमिकल कंटेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो इंसान को होता है उसके जो चांसेस हैं वो 3 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अमेरिका यूरोप जापान में जो है ये 75 मिलियन लोग इसका शिकार हैं यानी 7.5 करोड़ लोग ऑस्ट्रोपोसिस का शिकार हो गया जी सभी कहीं और आप अच्छा ऑस्ट्रोपोसिस जो है अमेरिका यूरोप जापान में जो है 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ लोगों को ऑस्ट्रोपोसिस है और चाइना में जो है 90 मिलियन यानी 9 करोड़ लोग जो है ऑस्ट्रोपोसिस का शिकार है। और ये जो है जितनी भी ये तो कुल मिला के इन 4 कंट्रीज के जो है लोगों को जो ऑस्ट्रोपोसिस है वो जो है 7% पॉपुलेशन मतलब उसका 7% है पॉपुलेशन का जितनी भी दुनिया की 8 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसका 7% जो है सिर्फ इन 4 मुल्कों को ऑस्ट्रोपोसिस शिकार है। अच्छा, अब WHO ने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। WHO ने जो है अक्टूबर 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को जो है ऑस्ट्रोपोसिस डे का नाम करार दिया है। अच्छा, अब जो है हमारा कैल्शियम 1 जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है यानी यहाँ पे एंड होता है। अब जो है हम कैल्शियम 2 की तरफ चलते हैं। कैल्शियम 2 जो है वो इसका नाम है कैल्शियम सुपर कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर यानी ये जो है इसका नाम से हमें पढ़ने से पता चलता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करती है। तो ये जो कैल्शियम है ये वाहिद ऐसी कैल्शियम है जो सारी कैल्शियम में से वाहिद ऐसी कैल्शियम है जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में मैं आपको इसी स्लाइड में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा किस तरह जो है शुगर और कोलेस्ट्रॉल को जो है वो हमारी हमारी बॉडी में कम करती है। अच्छा, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सिम्बोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर है जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए एक जिंदा गाय से दी जाती है, ये एक्सट्रैक्ट की जाती है उसकी हड्डी से, उसकी जो है बैक बोन से एक्सट्रैक्ट की जाती है जो कि बिल्कुल हलाल तरीका है। और फिर इसमें पंपकिन पाउडर है यानी जो पेठा कद्दू होता है उसका इसमें इसको सुखा कर उसका पाउडर बना के इसमें डाला गया। फिर माल्ट ओलिगोसैकेराइड है। अच्छा, माल्ट हमने पहले पढ़ा था कि कैल्शियम 1 में ओलिगोसैकेराइड होता है जो हमारे बुजुर्ग जो है पहले खाते थे, उसमें जो है जिंक की ओलिगोसैकेराइड की जो मेन जो एग्जांपल है वो है निशास्ते का हलवा जो हमारे बुजुर्ग बहुत शौक से खाते थे। तो उसमें जो है निशास्ते में जिंक और ओलिगोसैकेराइड बहुत ज़्यादा होता है और ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमारे सेल की खुराक है
हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं उसकी खुराक है ओलिगोसैकेराइड। तो उसमें जो है माल्ट ओलिगोसैकेराइड, एक सिंपल